बच्चों सुप्रभात। कक्षा 11वीं में हम गृह विज्ञान के सब्जेक्ट में आज हम पट्टियों के प्रकार उपयोग में प्रश्नों का अभ्यास आगे के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। फ्रैक्चर क्या है, हड्डी कैसे भंग होती है, इस टाइप से हम देखेंगे। अब है यहाँ पे प्रश्न है कि फ्रैक्चर क्या है, लक्षण कारण लिखिए। फ्रैक्चर जब हड्डी टूट जाती है, टूट कर अलग दो भागों में बट जाती है और जहाँ पर दर्द और सूजन आ जाती है वहाँ उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर के लक्षण, अस्थि के टुकड़ों की आवाज सुनी जा सकती है। जब फ्रैक्चर होता है तो कट कट की आवाज आती है जिसे हम सुन सकते हैं। तो जब फ्रैक्चर होता है अस्थि के टुकड़ों की आवाज सुनी जा सकती है, कट कट की आवाज होती है। उस स्थान पर सूजन आ जाती है, उस भाग पे जहाँ पे हड्डी टूट जाती, सूजन आ जाने के कारण असहनीय दर्द भी तेज होता है। उस स्थान की कार्य क्षमता कम हो जाती, कभी कभी हड्डी के टुकड़ा भी दिखाई देने लगते हैं। जैसे टूट जाती हड्डी कभी कभी तो फिर हड्डी के टुकड़े भी दिखाई देने लगते हैं हमारी पतली पतली स्किन के पास से कि कौन सी हड्डी कहाँ टूटी हुई है। उस स्थान की कार्य क्षमता कम हो जाती है, यानी इतना दर्द रहता है कहाँ से कार्य क्षमता क्यों नहीं घटेगी और सूजन आ जाती, तेज दर्द होता है। ये क्या है, हड्डी टूटने के या फ्रैक्चर होने के लक्षण। फिर फ्रैक्चर के कारण, फ्रैक्चर होने में हड्डी पर सीधी चोट लगने से, जैसे कहीं कोई लाठी से मार दे या कहीं पर बहुत भारी चीज गिर जाए ऊपर, तो भी हड्डी टूटती है या फ्रैक्चर हो जाता है। हड्डी पर बल पड़ने से, जैसे पैर पर गिरने से जांघ की हड्डी टूट जाती है, हथेली पर ज़्यादा तेज बल पड़ा, वजन पड़ा तो कलाई की हड्डी टूट जाती है। और कुछ कारण ऐसे होते जैसे वृद्धावस्था में हमारी हड्डियां लचीली और कमजोर हो जाती है, तो लचक कम रहती हड्डियों की, इसलिए जरा सी चोट से भी हड्डी टूट जाती है, जरा सी भी चोट से हड्डी टूट जाती है ना, हड्डियों पर बल पड़ने से, जैसे गिरने से जांघ की हड्डी टूट जाती है, हथेली पर ज्यादा बल पड़े तो कलाई टूट जाती है आदि। धमनी और सिरा से रक्त स्राव के लक्षण एवं उपचार लिखें या बताएं कि धमनी से रक्त स्राव कैसे होता है और सिरा से रक्त स्राव कैसे होता है, इनके लक्षण लिखिए। धमनी से रक्त स्राव के लक्षण, जैसे कि रुधिर लाल रंग का चमकीला हो जाता है और रुधिर धमनी में शुद्ध रहता है। क्या होता है, रुधिर लाल रंग का चमकीला हो जाता है और रुधिर धमनी में शुद्ध होता है। रुधिर का प्रवाह हृदय के अंगों की रक्षा करना है। हृदय की धड़कन रुक रुक कर रुधिर के साथ झटके से बहने लगता है। ये क्या कब होता है, जब धमनी में चोट लगती है, अंदर की धमनी टूट जाए अगर, तो ये सब लक्षण होते हैं। अब हम देखेंगे इनका उपचार हम कैसे कर सकते हैं। फिर है सबसे पहले तो घायल व्यक्ति को आराम से एक स्थान पर लिटा देना चाहिए और घायल वाले स्थान को हृदय की सतह से ऊंचा उठाकर रखना चाहिए। यदि घाव में कोई वस्तु लगी है तो उसे सावधानी से निकाल दें। कोई भी वस्तु जैसे कांटा, छुरी या पिन, तो इनको सावधानी से धीरे से निकाल लें। फिर घाव को जहाँ पर लगा हुआ है चोट, वहाँ उस स्थान को जंतुनाशक द्रव्य डेटॉल से साफ कर दें। फिर घाव स्राव होने वाली जगह पे पट्टी बांधने, सफाई करके घाव को और अच्छी तरह से बांधने की रक्त स्राव
कोशिश करें जल्दी से कि डॉक्टर के यहाँ शीघ्र ले जाएं और घायल को अस्पताल पहुंचाएं। ये आपके धमनी से रक्तस्राव के उपचार। अब है शिरा से रक्तस्राव के लक्षण। शिरा में रक्तस्राव शुद्ध होता है। शिरा में रक्त का रंग बैंगनी और गाढ़े रंग का होता है। फिर शिरा में रक्त प्रभाव अंगों से हृदय की हो जाता है। रक्त बिना झटके के धीरे धीरे बहता है। और फिर इसके उपचार। उपचार है घायल आरामदायक स्थिति में लिटाएं। फिर रक्त रोकने के लिए, रक्तस्राव जो हो रहा है वहां पर रोकने के लिए हमें बर्फ की थैली रख देनी चाहिए। इसके बाद घायल को हृदय की सतह से नीचे की ओर झुका कर और घाव को सफाई करके डेटॉल से साफ करें। किसी ने संक्रामक घोल से धोकर पट्टी मरहम लगाकर बांध लें और डॉक्टर के पास ले जाएं। घायल को सतह से नीचे रखें। धमनी में चोट लगने पर सतह से ऊंचा रखा जाता और शिरा में चोट लगने से नीचे की सतह के ऊपर झुकाकर रखते हैं। और यहाँ भी घाव की सफाई डेटॉल से ही करना है। किसी भी संक्रामक घोल से धोकर पट्टी मरहम लगाकर बांध देते हैं और डॉक्टर के पास ले जाएं। इस तरह से हम पट्टियों का उपयोग भी कर लेते हैं। और फ्रैक्चर में हमने ये सब पढ़ा आज, पट्टियों का उपयोग और प्रकार। ये सब प्रश्न आपको कॉपी में लिखना है बच्चों, और अच्छी तरह पढ़ाई करना है। पास में परीक्षा पास आ रही है।